हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते और उड़द की दाल से बनने वाला रिक्वेच। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल 2 कप और आधा कप चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था और मैंने इनको अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने अरबी के पत्तों को साफ करके अच्छे से कट कर लिया है। तो दाल को हम मिक्सर में पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए कुछ मसाले, तेज पत्ता, अदरक, हींग, 20 से 25 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत धनिया और लाल मिर्च। इन सबको हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी दाल को मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दाल को पीस लिया है। अब हम अपने मसाले भी पीस लेंगे। तो हम मिक्सर जार में डालेंगे अपनी साबुत धनिया, लाल मिर्च, मैंने 3 लाल मिर्च डाली है, 3 मैंने तड़के के लिए रखी है और मैंने डाला लहसुन और अदरक। इसको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम मसाला। इसमें मैंने हल्दी पाउडर और मसाला, सब्जी मसाला जो सब्जी में डालते हैं, उसको मैंने मिक्स किया है। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम बाउल लेंगे और इसमें हम अपनी पीसी हुई दाल को निकालेंगे। और मैंने कटोरी ली है, थोड़ा सा हम 2 से 3 चम्मच इसे निकालेंगे कढ़ी में ग्रेवी बनाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बार ऐसा होता है कि भूल जाते निकालना ही। तो इसमें डालेंगे हम अरबी के पत्ते और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यूपी की बहुत ही फेमस डिश है। तो मैंने मिक्स कर लिया है और जो मैंने मसाला पीसा था मिक्सर जार में, उसे हम 3 चम्मच डाल लेंगे। और डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। अब हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब डालेंगे थोड़ा सा हम चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, जब हम बनाएंगे तभी हम इसमें नमक डालेंगे, नहीं तो हमारा गीला हो जाएगा। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डालेंगे हम तेल सरसों का, क्योंकि रिक्वेस्ट सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है।
तेल को हम गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम नमक और नमक को अच्छे से मिला लेंगे। और हाथों पे लगाएंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी, पहले तो हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम बना बना के इसमें बड़े डालेंगे। तो इसे हम पलट देते हैं। तो ये तैयार हो चुके हैं, ये देखिए दोनों साइड से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो मैंने निकाल लिया है बड़े को। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पंचफोरन, आधा चम्मच। और इसमें डालेंगे तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, जो मसाले मैंने पीसे थे मिक्सर में, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। तो देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और किनारे तेल आना भी स्टार्ट हो गया है। तो मसाला हमारा एकदम परफेक्ट भूनकर तैयार हो चुका है। तो जो मैंने दाल निकाली थी 3 चम्मच, उसका हम घोल तैयार करेंगे। तो हम लेंगे मिक्सर जार में पानी जिसमें मैंने अपनी दाल पीसी थी, इसका हम घोल तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत जरूरी है रिक्वेस्ट में। इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। इस घोल से ही हमारी रिक्वेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इस घोल को भी हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। ये मेरी माँ की रेसिपी है, मैंने अपनी माँ से इसे सीखा था। तो हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें डालेंगे हम पानी। आपको अगर गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप गाढ़ी ग्रेवी बनाइए, नहीं तो आप पतली बनाइए, जैसा आपका। आपको जैसी भी ग्रेवी पसंद है, गाढ़ी या पतली, आप उसी तरह से बना सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और इसे हम
और इसे हम 5 से 6 मिनट तक ढककर उबाल आने देते हैं। उसे हम चेक करते हैं, तो देखिए 5 से 6 मिनट तक उसमें उबाल आया है। तो इसमें डालेंगे हम अपने बड़े एक एक करके। बड़े डालने पर भी हम इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसे हम ढक देते हैं और 8 से 10 मिनट तक इसे पकने देते हैं। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा अरबी के पत्ते और उड़द की दाल से बना हुआ बहुत ही टेस्टी रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ट्राई करिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।